क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई उपाय है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है यूरिक एसिड को? यूरिक एसिड के पेशेंट्स को आप क्या सावधानी रखने को कहेंगी? सावधानी ये है कि जो मैंने हाई प्रोटीन डाइट बताई प्यूरिंस वाली, इनका सेवन उस समय पे ना करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, यूरिक एसिड की समस्या कई लोगों में है और लोग इससे काफी परेशान भी हैं, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि यूरिक एसिड जब किसी को हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को कैसा फील होता है? देखिए, हमारी बॉडी में बना हुआ एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, तो ऐसे में हमें दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो हम हाई प्रोटीन डाइट ना लें, और अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो हम उसके एवरेज में उतना ही वर्कआउट करें, मेहनत करना चाहिए, और दूसरे हमारी किडनी को भी प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। तो तीन चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग सिडेंट्री लाइफस्टाइल पे आ रहे हैं, हम मेंटल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर नहीं रहे, पर हम उसी एवज में हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो हमारी मसल्स को जितना रियर एंड टियर के लिए प्रोटीन चाहिए बस उतना ही प्रोटीन आवश्यक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी को यूरिक एसिड हो गया है? जी, यूरिक एसिड अगर प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं होगा तो वो हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाएगा, तो समटाइम्स सबसे पहला जो है वो हमारी बॉडी पैनिक फील करेगी, मतलब सूजन रहेगी और थकान और दर्द रहेगा, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगेगा, शरीर में दर्द रहेगा, ये सबसे बेसिक सिम्टम है इसका। फिर जोड़ों के दर्द में और यूरिक एसिड के वजह से दर्द है, इसमें कैसे अंतर करेंगे? देखिए, जोड़ों में दर्द है तो भी अगर आप चेक कराएंगे तो यूरिक एसिड 99% केसेस में बढ़ा हुआ ही आता है, तो यूरिक एसिड और वाइस वर्सा है, यूरिक एसिड का बढ़ना मतलब वो एक्सक्रीटरी चीज थी जो हमारे जोड़ों में जाकर के जमा हो गई क्रिस्टल फॉर्म में, तो वो हमारे जोड़ों में दर्द का कारण बनी। तो जोड़ों में दर्द है तो सिंपल यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ, समटाइम्स यूरिक एसिड बढ़ा है तो वो सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन है जिनको हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जोड़ों में प्रॉपर दर्द दे, बॉडी में पेन है पर्टिकुलर किसी जोड़ में दर्द नहीं है तो भी हम इसको समझेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, यूरिक एसिड में जनरली एक आम लेमैन भाषा में हम कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, है ना, तो लेकिन प्यूरिंस कैटेगरी का जो प्रोटीन है वो खासकर मना होता है, और ये प्यूरिंस जो होते हैं ये आपके मीट, अल्कोहल, उस तरह की फिशेस में और सी फूड में होते हैं। बाकी चीजों में हमें ध्यान रखना है कि हम क्वालिटी ऑफ गुड प्रोटीन लें, राइट? जैसे अगर 35-40 अबव ही हमें यूरिक एसिड का टेंडेंसी देखने को मिलता है, तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो दाल हम खाते हैं, ठीक है, तो वो रिफाइंड है, तो वो अच्छा प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन तो है उसमें पर अच्छा प्रोटीन नहीं है, तो ऐसे में जो स्प्राउट्स हैं या होल ग्रेन्स हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं जो इजी डाइजेस्टेबल है और वो अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन मिल्क एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हम प्रोटीन किस सोर्स से ले रहे हैं। मेनली अगर हम कहें कि हमें अनाज में क्या खाना चाहिए या दालों में क्या खाना चाहिए, मतलब किस चीज में क्या खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए कौन सी नहीं, उसके बारे में बताइए जब किसी को यूरिक एसिड हो जाता है तो। देखिए, मेनली वेजिटेबल्स तो बहुत कम ही इस तरीके की हैं, जो कि मैंने बताया कि सिर्फ प्यूरिंस कैटेगरी को आप हटा दें, बाकी ध्यान रखें, बाकी जनरल जो डाइट प्लान होता है एक पौष्टिक हेल्दी डाइट प्लान होना चाहिए, जिसमें जनरली हम कहते हैं कि आपका सब्जियों का जूस अच्छा है, तो सब्जियों के जूस में आपका कैरेट अच्छे हैं, इसमें बीटरूट अच्छा है, इनका रस निकाल करके लेना चाहिए 250 ml कम से कम, तो जल्दी तेजी से कम हो जाएगा। दूसरे सैलेड तो लेना ही लेना है आपको, और आपका चेरीज और बेरीज है ना, ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और आपका एंथोसाइनिन कंपाउंड भी इसमें होता है, तो अगर चेरीज और बेरीज एज ए फ्रूट शामिल किया जाए तो भी आपकी बॉडी को बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। एप्पल बहुत अच्छा है, इसलिए बीच में एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत सारा फेमस है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, बट इसको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी उसको एडजस्ट कर रही है कि नहीं, कभी कभी जो बहुत ही ज्यादा हाइपर एसिडिटी होती है उनको कभी कभी नहीं भी सूट करता है एप्पल साइडर विनेगर, तो हमारा एज अ नेचुरोपैथ यही रहता है कि आप प्योर फॉर्म में एप्पल्स को खाएं, ना कि
एप्पल साइडर विनेगर के रूप में। सो इस तरीके से, और विटामिन सी रिच फूड जरूर होना चाहिए। तो विटामिन सी का सबसे चीपेस्ट सोर्स आप जानते हो लेमन है, तो सुबह सुबह, दोपहर में, एक शाम को आप अगर 2 लेमन पर डे यूज करते हैं सिंपल प्लेन वाटर में तो भी बहुत अच्छा है। एंड आंवला अच्छा है अगर सीजन में आ रहा है आपको, तो आंवले की चटनी बना करके आप ले सकते हैं। सूप जो बना रहे हैं वेजिटेबल सूप, उसमें आंवला डाल सकते हैं। कीवी अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी एंटी इंफ्लेमेटरी चीजों में मेथी बहुत अच्छा है, जो पेन रिलीवर का काम करता है। मेथी का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस मेथी को आप रख दे, वो अंकुरित हो जाए, तो स्प्राउट्स के फॉर्म में मेथी, जो भी और चीजें जैसे गर्मी देती है या और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लोगों को, ईचिंग इन्फ्लेमेशन, वो नहीं देगी। तो मेथी का अच्छा यूज यही है कि आप उसको अंकुरित करके यूज करें, वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरक इन्फ्लेमेटरी है, तो पूरे दिन में एक बार आप हनी जिंजर टी बना सकते हैं, हनी जिंजर लेमन टी बना सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी है। तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को बॉडी के कम करेगी और यूरिक एसिड को भी एक्सक्रीट करने में सहायता करेगी। जिनको यूरिक एसिड होता है उनका पर डे डाइट प्लान क्या होना चाहिए? जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको लेमन वाटर स्क्वीज करना चाहिए। इसमें भी थोड़ी सी चीजें मिथ है कि जैसे किसी को एसिडिटी है ना, तो उसको लेमन नहीं सूट करेगा, तो उसको वेजिटेबल जूस पे जाना चाहिए। वेजिटेबल जूस में हमने आपको बताया कि सबसे अच्छा बीटरूट और कैरेट, मतलब चुकंदर और गाजर का रस रहेगा, वो अच्छा है। आंवला अच्छा रहेगा फिर भी उसके लिए, तो उनको सब्जियों का, ये इस तरह का फलों का रस लेना चाहिए। कोकोनट वाटर भी एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद हमने चेरीज और बेरीज कही है, वो एज ए फ्रूट उनको खाना चाहिए। फिर हमने स्प्राउट्स कहे हैं, जिसमें आपका मेथी का स्प्राउट भी है और होल ग्रेन्स में भी स्प्राउट्स के फॉर्म में जो भी चीजें हैं उनका एक सैलेड बना करके 1 बाउल वो खाना चाहिए नाश्ते के रूप में। खाने में सब्जी रोटी खानी चाहिए, मोटे अनाज की रोटी, सब्जी, सैलेड, चटनी। और फिर शाम को आपको इस तरीके का सूप या जूस सब्जियों का, जो बहुत ही फायदा करेगा, वो ले। और रात में दलिया, जिसमें ओट्स बहुत अच्छे, फाइबर बढ़ाइए, ओट चाहे ओटमील में बहुत सारी सब्जियां डाल करके उनका सेवन करें, जो कि आपके यूरिक एसिड में बहुत काम करेगा। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई उपाय है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है यूरिक एसिड को? देखिए, डाइट कॉन्सेप्ट अलग नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा से, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा का अभिन्न अंग है, मतलब अगर हम कहें कि 80% कवर करती है आहार चिकित्सा, तो गलत नहीं है। तो ये तो एक हो गई चिकित्सा, बिना इसको ठीक किए प्राकृतिक चिकित्सा अपना रिजल्ट ही नहीं देती। तो आपको आहार पे तो काम करना ही पड़ेगा। फिर बात आती है कि प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा और भाप चिकित्सा बहुत काम करेगी, क्योंकि हमारा शरीर जैसे जैसे डिटॉक्स करेगा, गंदगी को बाहर निकालेगा, वैसे वैसे हमारी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बाहर टॉक्सिन्स निकालेंगे, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, किडनी अच्छा काम करने लगेगी, और इधर से आपने प्रोटीन कम कर दिया, तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ऐसे में स्टीम बाथ बहुत अच्छा फायदा करेगा, भाप स्नान, जो कि आप पोर्टेबल एक स्टीम बाथ अपने घरों में भी रख सकते हैं। दूसरा, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप पेशेंट को एनिमा ले सकता है, फायदा करेगा। मिट्टी चिकित्सा फायदा करेगी संपूर्ण बॉडी पे, क्योंकि छोटे छोटे क्रिस्टल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट है, ब्लड में इंफ्लेमेशन है, तो पूरी बॉडी में होल मट थेरेपी भी बहुत फायदा करेगी। तो फुल बॉडी डिटॉक्स पे काम करना चाहिए, तो फुल बॉडी मट थेरेपी, फुल बॉडी स्टीम बाथ और एनिमा, इस तरीके की चीजें और डाइट के साथ काम करने पे आपका 1 महीने में अच्छा खासा आपको रिजल्ट आएगा। और आप इस तरह से एक अच्छा मैनेजमेंट करेंगे बिना दवाओं के, इस तरह से अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे तो आपका शरीर का शोधन भी होगा और आप आने वाली और सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। यूरिक एसिड के पेशेंट्स को आप क्या सावधानी रखने को कहेंगी? सावधानी ये है कि वो अल्कोहल का सेवन ना करें। सावधानी ये है कि जो मैंने हाई प्रोटीन डाइट बताई, प्यूरिन्स वाली, मीट है, फिशेस हैं, सी फूड्स हैं, इनका सेवन उस समय पे ना करें और एक बार कंट्रोल हो जाने दें। मॉडरेट प्रोटीन डाइट लें। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें प्रोटीन चाहिए तो हम ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, पूरे दिन प्रोटीन खा रहे हैं, क्योंकि हमने पनीर और बहुत सारा दूध पीते हुए लोगों को भी जॉइंट पेन होते देखा, यूरिक एसिड बढ़ते हुए देखा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान में रख करके, और आपका फिजिकल कैलिबर कैसा है, मतलब आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होता है कि आप किस तरह का खाना खाएं। तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल ना जिए, आप मेंटल वर्क आजकल सभी कर रहे हैं, तो 1 से 2 घंटे का वर्कआउट, एक हो गया गेमिंग,
जो भी आपका पैशन हो, जो आपको खुश रख सके, मन को खुश रख सके। और एक है योगा, योगाभ्यास है, वॉक है, ये जरूर करना चाहिए। और अगर थोड़ा थोड़ा पेन पूरी बॉडी में है तो मैं सूक्ष्म व्यायाम जो योग के हैं उनको सजेस्ट करूंगी, पैरों की उंगलियों से लेकर के ब्रीदिंग के साथ सारे जोड़ों का आप एक्सरसाइज होना चाहिए, है ना। तो ब्रेथ के साथ कम से कम 10-10 बार आपके फेलेंजेस, मेटाफेलेंजेस, टार्सल्स का मतलब काफ मसल्स, फिर नीज, घुटने, फिर कमर, फिर ऐसी उंगलियां, है ना, कलाई, फिर कोहनियां, फिर कंधे, गर्दन, मतलब एक छोटे छोटे अंगों का भी एक अच्छी तरीके से श्वास के साथ व्यायाम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर शिखा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।